चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसा के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार अहमद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। जस्टिस गुलजार अहमद ने ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आई जस्टिस गुलजार अहमद डू सॉल्मली स्वेयर दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की तकरीब हलफबरदारी में वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत वफाकी वुजरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर मुसल्ला अफवाज के सरबराहान के अलावा सीनियर जज साहिबान और सीनियर वकला भी तकरीब हलफबरदारी का हिस्सा थे। जस्टिस गुलजार 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। वो 1 फरवरी 2022 तक इस मनसब पर फाइज रहेंगे। And guide me. Amen. दूसरी जानिब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हल्फ उठाने के बाद दोनों आईनी बॉडीज की तश्कील भी तब्दील हो गई और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। जस्टिस उमर अता बंदियार जुडिशियल काउंसिल के रुकन जबकि जस्टिस मकबूल बाकी जजेस सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन के रुकन बन गए।